हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सारा और आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं नारियल की बहुत ही डिलीशियस चटनी। इस वीडियो को हम दो पार्ट में बना रहे हैं। पहले पार्ट में हम बनाएंगे नारियल की चटनी और दूसरे पार्ट में हम बनाएंगे चटनी के साथ खाने के लिए रवा चपाती। रवा चपाती के वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो इस वीडियो में हम बनाएंगे नारियल की चटनी, तो चलिए शुरू करते हैं। चटनी को बनाने के लिए हमें चाहिए आधा नारियल, इसके छोटे पीस कर लेंगे, 2 चम्मच चने की दाल, इसको मैंने थोड़ा सा भून लिया है, लगभग 1 इंच अदरक, इसको छील कर छोटे पीस कर लेंगे, और 3 हरी मिर्च, इन सबको मिक्सी में डाल लेंगे। इसमें ऐड कर लेंगे 1/2 चम्मच नमक। अब इनको ग्राइंड कर लेंगे। एक बार ग्राइंड करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। जैसे जैसे इसको ग्राइंड करेंगे इसका पानी कम होता जाएगा, तो बीच बीच में इसमें पानी डालते रहना और अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेना। आप देख सकते हैं कि नारियल का थिक पेस्ट तैयार हो गया है। इसको एक बोल में निकाल लेंगे। अब हम चटनी में तड़का लगाएंगे। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है 8 से 10 कड़ी पत्ता, 1/2 चम्मच सरसों, 4 साबुत लाल मिर्च और 1 चम्मच उड़द की दाल। अब पैन में तेल ले लेंगे, इसमें सरसों डाल लेंगे और इसे चटकने तक फ्राई करेंगे। जब सरसों चटकने लग जाए तो इसमें उड़द की दाल डाल लेंगे। इसको 1 से 2 मिनट तक लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। इसमें अब कड़ी पत्ता और साबुत लाल मिर्च भी डाल लेंगे और लो फ्लेम पर 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब ये मसाला तड़का लगाने के लिए तैयार है। तड़के को चटनी में डाल देंगे और सही से मिक्स कर लेंगे। तड़का लग चुका है और साउथ इंडियन वाली चटनी तैयार हो गई है। इसकी खुशबू लाजवाब लग रही है। अब इसके साथ खाने के लिए रवा चपाती तैयार करेंगे। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या आप इस थंबनेल पर क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो एक बार जरूर ट्राई करें नारियल की चटनी और रवा चपाती के साथ, उसका लुत्फ़ उठाएं। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में एक और नए जायकेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।